ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये चौक है नगरोटा बाईपास का, और यहीं से कटरा, वैष्णो देवी, श्रीनगर, पत्नीटॉप, हर एक तरफ यहीं से रास्ता जाता है। और आज हम जा रहे हैं पंजग्राही नगरोटा, जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि जम्मू सिटी से कितने किलोमीटर पे है पंजग्राही, जो अभी भी गाँव के नाम से जाना जाता है। तो नगरोटा एक छोटा सा शहर भी बोल सकते हैं और कस्बा भी बोल सकते हैं, जो जम्मू शहर के थोड़ी सी दूर पे है। वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो सबसे पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर, कोलकंडोली के नाम से जाना जाता है। उसका रास्ता दूसरी तरफ से चल जाता है, पुराने रास्ते की तरफ से, और हम इस नए रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हमें मचेल माता के मंदिर जाना है, और ये रास्ता वहीं के लिए जा रहा है। और यही मेन नेशनल हाईवे है जम्मू कश्मीर का, राजमार्ग। और इसी रास्ते में आपको IIT जम्मू दिखेगा लेफ्ट साइड में मेरे, और जगती का ये रास्ता चले गया, और यही से ये सामने आप लेफ्ट साइड देख सकते हो, यहाँ पे IIT जम्मू है। ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे IIT जम्मू की, और यहीं से आगे आप जाते हो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, आगे पंजग्राही का आपको बोर्ड दिखेगा, वहाँ से आपको मंदिर दिख जाएगा। जो भी इस जगह पे आना जाता है वो बाई बस, बाई मेटाडोर आ सकता है। जम्मू के बस स्टैंड से या अम्फला चौक से या रिहाड़ी चौक से आपको गाड़ी मिल जाएगी। जो भी इधर आना चाहता है वो नगरोटा की गाड़ी में बैठ के आ सकता है, और अपनी गाड़ी में भी आ सकता है। तो ये आप रास्ता देख सकते हो, ये नगरोटा का ही रास्ता है। नगरोटा से थोड़ी सी ऊपर जाना हो आगे की ओर कटरा वाली साइड, तो ये रास्ता आपको दिख जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंजग्राही, जो आप लेफ्ट साइड रास्ता देख रहे हो कच्चा सा, वहाँ से भी रास्ता जाता है, बट हम आपको पक्के वाले रास्ते लेके जा रहे हैं, जहाँ से पक्की सड़क आपको मिलेगी। वहाँ से आप अपनी गाड़ी लेके, अगर आप आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। राइट साइड आप देख सकते हैं मंदिर का द्वार दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इस रास्ते से, क्योंकि रास्ते के बीच में कट नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा मंदिर के आगे जाना पड़ता है आपको। तो वहाँ से आपको कट दिख जाएगा, जो मंदिर की ओर दोबारा आप आ सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं, रास्ते में चलते ही आपको थोड़ा सा आगे जाके एक टर्न दिखेगा राइट साइड के लिए, वहीं से आपको अपनी गाड़ी, अगर आप लेके आ रहे हो या बाइक पे आ रहे हो, वहाँ से आपको राइट साइड के लिए टर्न ले लेना। और टर्न जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ पे आपको बोर्ड भी दिखेगा पंजग्राही का, जैसे आपने ये देखा लेफ्ट साइड पे मेरे, और यहीं से आपने राइट साइड हो जाना है। हम भी राइट साइड हो चुके हैं, और अब हम वहाँ से आ रहे हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पे है, जब आपको हाईवे से पंजग्राही मंदिर, वो मचेल माता का मंदिर दिखने लगता है, तो ये सारा पंजग्राही का ही एरिया है। और वहाँ से आप कुछ ही मीटर की दूरी से आगे से आप दोबारा टर्न ले सकते हो। तो ये अभी हम मंदिर के द्वार तक पहुँच रहे हैं, और यहीं पर लेफ्ट साइड पर पार्किंग आ चुके हैं अपने। यहाँ पर पंजग्राही है मंदिर, मचेल माता का आपको दिख रहा होगा पीछे, चंडी माता का मंदिर। जैसे डोडा किश्तवाड़ बॉर्डर हम जाते हैं, जब मचेल माता का मंदिर वहाँ पे आता है, वैसे ही हमारे जम्मू में आज मंदिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिधर हम आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो बड़े दिन से मेरा प्लान था कि एक्सप्लोर करो इस मंदिर को, तो आज मौका मिल चुका है हमें, तो आपको भी मैं दर्शन कराऊँगा। तो चलिए देखते हैं मंदिर अंदर से कैसा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर जम्मू, और ये नगरोटा से थोड़ी सी आगे आप आते हो, वो मैं आपको बता दूंगा कि कितने किलोमीटर होने वाला है जम्मू सिटी से। तो चलिए आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं, किस तरह का इसका रास्ता होने वाला है। या देख सकते हो ये रास्ता रहा यहाँ का, और ये सामने नीचे मंदिर है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो माँ बावे वाले माता की तस्वीर लगी हुई है, और ये साथ में रास्ता, ये जो ऊपर की तरफ से रास्ता आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ से रास्ता आ रहा है, ये कटरा, वैष्णो देवी, श्रीनगर से आ रहा है, और जो उस तरफ से आ रहा है रास्ता, यहाँ से आप जम्मू से आते हो, और इस रास्ते से यहाँ पे कोई टर्न नहीं आएगा, आगे जाके कट आता है, वहाँ से आपको राइट साइड हो जाना है इस मंदिर के लिए। या तो आप वहाँ से आइए, वहाँ से आप आके ये आपको रास्ता दिख जाएगा यहाँ से, और ये सामने आप कार पार्क कर सकते हो बाइक लेके।
अभी हम गाइस आ चुके हैं मंदिर के बाहर और ये आप मेरे सामने मंदिर देख सकते हो। अभी हम दर्शन करने के लिए अभी अंदर जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं, आप लोग भी अब दर्शन कर लीजिए। सामने माता रानी यहाँ पे विराजमान है। जैसे हम पाटर जाते हैं इतनी दूर मचेल माता के मंदिर, जो नहीं जा पाता है, तो ये मैं वीडियो उन सबके लिए लाया हूँ कि आप कभी भी आइए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे, आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे आके मतलब कि रूह खुश होगी। आज तक मैं कभी मचेल माता मंदिर नहीं गया हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इस मंदिर में आऊँ पंचग्राही में। ये जम्मू सिटी से नॉर्मल जितने भी किलोमीटर होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूँगा वीडियो के एंड में, तो आप देख सकते हो माता रानी के। मैंने दर्शन कर लिए, अब आप दर्शन कर सकते हो दोबारा से। ये मैं आपको दोबारा दर्शन करा रहा हूँ। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हो माता रानी की। गाइस वहाँ से मैं आ चुका हूँ घर पे अपने, तो मंदिर के वहाँ पे वीडियो करने वाला था बट दिमाग से मेरे स्किप हो गया और मैं घर की ओर वापस आ गया। और वहाँ पे जाके मतलब कि आज मन इतना खुश है, मन इतना खुश है, जितनी भी उदासी थी सब भुला दी है मैंने। और चलो ऐसे ही होना चाहिए हर एक की ज़िंदगी में, जितनी भी टेंशन है किसी को, जो भी परेशानी है, वो मंदिर में जाओ, माथा टेको, आराम से अच्छे से भगवान का आशीर्वाद लो और हंसते हंसते वापस आ जाओ जिस तरह मैं आया। हर एक के लाइफ में बहुत सारी परेशानी है, तो उसका समाधान भी कहीं पर है। अगर लाइफ में परेशानी नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, तो लाइफ किसका नाम है? लाइफ इसी का नाम है। तो वैसे ही मैंने आज बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना माता रानी के मंदिर जाते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, फेमस मंदिरों में तो लोग सभी जाते हैं अक्सर, और ऐसे अनएक्सप्लोर्ड मंदिर को ढूंढना और दर्शन करना माता के, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस आज इस मंदिर में मैं गया, बहुत अच्छा लगा और शांति मिली, रूह खुश हो गई, तृप्ति सी मिल गई मतलब यहाँ पर दर्शन करके। तो बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भी इस मंदिर में आएँ, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आओ। जिसके साथ भी आना है आपको अच्छा लगता है आप आओ, तो माता रानी के दर्शन करो और इस मंदिर के बारे में औरों को भी बताओ। जो लोग माता मचेल के नहीं जा पाते हैं, पाटर मचेल अभी यात्रा चली थी बट लोगों को नहीं पता है, नहीं जा पाए, बहुत सारे लोग मतलब कि तरस जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए कि माता रानी ने इस बार नहीं बुलाया ऐसे वैसे। तो आप सभी को मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर नगरोटा पंचग्राही आओ और माता रानी के दर्शन करो। यहाँ पर भी वैसा ही फील है, वैसा ही सब कुछ है जैसे वहाँ के मंदिरों में हैं। और भगवान तो हर एक जगह होते हैं, ऐसा हमारे पुराने बुजुर्ग कह गए हैं और हमें सुनने को मिलता है। तो बस जिनको मतलब कि होता है कि मन में आस्था होती है कि हम मंदिर तक जाएं और माता मचेल, पाटर मचेल माता मंदिर जाना था, ऐसा करना था, और आप जम्मू सिटी में रहते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आओ, यहाँ पर विज़िट करो, मंदिर में दर्शन करो, माता रानी के चरणों में माथा टेको और पुण्य के भागीदार हो जाओ। तो
वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आज की, तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो को, और मेहनत मेरी, रहमत उसकी, और प्यार आप सबका। इस वीडियो के एंड में बस आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे देना, सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया किसी वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, और जय माता दी।